बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट ओडीआई मैच जो कि होने वाला है चारुग्राम। भाई चारुग्राम का पिच रिपोर्ट ये है कि भाई एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट करते हुए आपको 250 रन दिखेगा और यहाँ पे स्पिनर और पेसर को दोनों को हेल्प मिलता है और बैट्समैन भी यहाँ इंजॉय करते हैं बैटिंग करने में। और फिलहाल देखो बैटिंग ऑप्शन में विकेट कीपिंग ऑप्शन में आए कुशल मेंडिस जो कि टी ट्वेंटी मैच है बहुत ही शानदार फॉर्म में था दोनों मैच में और शानदार बैटिंग करके गया। और दूसरा है आपका लिटन दास जो कि बहुत ही शानदार विकेट कीपर बैट्समैन है, ये भी आपको विकेट कीपिंग प्लस बैटिंग दोनों करता हुआ दिखेगा और बहुत ही शानदार फॉर्म में। सदीरा विश्वकर्मा भाई बहुत ही ख़तरनाक प्लेयर है, ये भी टी20 में अच्छा कर रहा था। और आपका एम रहमान ये भी भाई छोटा पटाखा बड़ा धमाका बहुत ही शानदार प्लेयर है, ये भी अच्छी बैटिंग करता है। तो फिलहाल तो मैं अभी कुशल मेंडिस और डी दास ले रहा हूँ, हो सके मैं रहमान या सदीरा विश्वकर्मा भी ट्राई कर सकता हूँ। फिलहाल देखो बैटिंग ऑप्शन पे पी निशंका बहुत ही शानदार बैट्समैन है, लास्ट टाइम इसने जो अभी मैच खेला उसमें इसने 200 मारे फिर 100 रन मारे फिर 50 रन मारे, तो इससे पता चलता है बहुत ही ख़तरनाक फॉर्म में है। असलंका भाई असलंका का ये है कि जब जब ऊपर के विकेट गिरती है और ये इनिंग बिल्ड करने आता है तो अच्छा खासा 50-60 रन की इनिंग खेल के चला जाता है। फिलहाल टी20 में बहुत ही शानदार फॉर्म में है महमूदुल्ला जो कि बांग्लादेश का मुझे बहुत ही शानदार ऑलराउंडर लगता है क्योंकि नीचे आके कभी ओवर भी डाल देता है, बैटिंग तो बहुत टेक्निक करता ही करता है, तो लेना ही लेना है। एन शांतनु जो कि रिसेंट में कप्तान था बांग्लादेश का और बहुत ही बढ़िया बैट्समैन भी है तो इसको भी ले सकते हैं। अब इसका फर्नांडो जब लास्ट टाइम अभी ओडीआई मैच खेला इन्होंने तो उसमें निशंका और फर्नांडो ने दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप की थी, ये भी बहुत तगड़े फॉर्म में है मगर टी20 में इसका फॉर्म थोड़ा ख़राब था, तो देख सकते हो। टी हॉटिंग भाई अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बहुत ही शानदार फॉर्म से आ रहा है और बहुत ही ख़तरनाक बैट्समैन है। के मेंडिस भाई के मेंडिस का थोड़ा फॉर्म अभी तगड़ा है, पूछो कैसे, टी20 मैच हुआ उसमें बहुत ही शानदार इनिंग खेल के गया। ए अमामुल भाई ये भी थोड़ा ठीक ठाक ही है। और टी हसन भाई ये अभी बांग्लादेश में ये भी अच्छा करके आ रहा है, तो फिलहाल मैं अभी दो ले रहा हूँ, चाहूँ तो शांतनु और अविष्का फर्नांडो दोनों को ट्राई कर सकता हूँ। फिलहाल ऑलराउंडर वीरेंद्र हजरंगा और लूँगा ही लूँगा क्योंकि बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करता हुआ दिखेगा। मेहंदी मिराज का भी सेम है भाई, ये भी बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करता हुआ दिखेगा, तो लेना ही लेना है। सौम्य सरकार भाई सौम्य सरकार का भी भाई ये 4-5 ओवर डालता हुआ दिखेगा प्लस ये 4th-5th ओवर बैटिंग भी करेगा और बहुत ही शानदार बैट्समैन। डी वेले लागे भाई बहुत ही शानदार है, जब स्पिन में मदद होगी तो ये आपको 2-3 विकेट लेता हुआ दिखेगा। करू रत्ने बहुत टाइम के बाद इसकी ओडीआई में वापसी हो रही है, अच्छा प्लेयर है। जी ले आगे भाई अभी लास्ट टाइम हुआ था कि इसने 100 या 80 रन मारे थे, बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है। और फिलहाल देखो गेंदबाजी की तरफ चलते हैं, मधु थिक्साना भाई बहुत ही शानदार स्पिनर है श्रीलंका में, अच्छी बॉलिंग डालता है और यहाँ पे भी टी20 में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, ना कि खराब, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है ज़्यादा ख़राब भी नहीं। और भाई सैफू इस्लाम भाई इसको लेना ही लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि 5 ओवर पावर प्ले में 5 ओवर डेथ में तो बढ़िया गेंदबाज है। टीम मधुसना भाई इसका फॉर्म थोड़ा नीचे है, उतना खास नहीं है तो मैं अभी नहीं ले रहा, मगर एज अ बॉलर बहुत ही बढ़िया है। एम रहमान जो कि बहुत ही शानदार है, सीनियर गेंदबाज है तो देख सकते हो। और बांग्लादेश का भाई तस्कीम अहमद जो कि मुझे अंदर से बहुत ही फेवरेट लगता है क्योंकि ये बैटिंग भी कर लेता है, ठीक है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लहरू कुमार है भाई जब जब खेलता है 1-2 विकेट हर मैच में ले जाता है। पी मधुसन का इसको लेना ही लेना भाई, ये तगड़ा गेंदबाज है। तैफूर इस्लाम भाई अभी टी20 बांग्लादेश में 2-3 विकेट हर मैच में ले रहा था, हाँ। धनंजय भी अच्छा स्पिनर है। टी साकिब ये भी आपको पूरे 10 ओवर डालता हुआ दिखेगा। और रूबेल हुसैन भाई अभी लास्ट मैच में क्या बैटिंग की है, बॉलिंग तो डालते डालते बैटिंग भी तगड़ी कर गई है। फिलहाल मैं अभी तस्कीन अहमद ले रहा हूँ और एक अभी श्रीलंका का गेंदबाज जो कि मैं मुझे लग रहा है मधुसन का है लहरू, तो फिलहाल मैं अभी लहरू को ले रहा हूँ क्योंकि जो कि मुझे अच्छा लगता है, हो सके मैं इनकी जगह बैट्समैन ही प्रेफर कर सकता हूँ। अब इसका फर्नांडो या फिलहाल देखो कप्तान तो आपको सबको पता है, इजली ऑप्शन है हसरंगा
और वाइस में अभी मैंडिस या पी निशंका को बना सकता हूँ। फिलहाल मैं पी निशंका के साथ जा रहा हूँ एज ए टेक्निक बैट्समैन, या मैंडी मिराज को भी मैं बना सकता हूँ। फिलहाल तो अभी मैंने निशंका को रखा है। फिलहाल प्रेडिक्शन टीम आपके सामने, कुशल मैंडिस है, लेटन दास है, पी निशंका है, महमूदुल्ला है, हसरंगा है, मैंडी मिराज है, सौम्य सरकार है, सोफी इस्लाम है, तस्कीम अहमद है, लहरू कुमार है, पी मधुशंकर। फिलहाल फाइनल टीम टेलीग्राम पे लाइक और कमेंट के साथ तैयार रहना। मिलते हैं फाइनल टीम के साथ।